आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग होता क्या है और उसका यूज क्या है। जैसे कि मैंने कल बता दिया कि वीवीए और माइक्रो दोनों अलग अलग नहीं है, माइक्रो पार्ट ऑफ द वीवीए, वीवीए एक नेम ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं सेम नहीं कहेंगे। वीवीए मीन्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और माइक्रोज एक मॉड्यूल से एक पार्ट है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, वो साइट का नाम दिया था आप लोगों ने, उसको स्टडी किया। देखिए वीवीए विजुअल, इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फ्लो एप्लीकेशन। एक तरह से एक फैक्ट्री है, तो इस फैक्ट्री के अंदर में हम यूज बनाते हैं जो है वो बनाते हैं सबसे पहले मैक्रोज, उसके बाद बनाते हैं फंक्शन, सॉरी माफ कीजिए गलत स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैक्रोज, फिर बनाते हैं फंक्शन, और दूसरा होता है हमारा यूजर फॉर्म। तो जो वीवी है उसका पार्ट ए है हमारा, और ये सारी चीजें होती कहाँ पे है, वो होती है वीवीई विजुअल बेसिक एडिटर, जिसको हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं कि आपका प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे के ऊपर आप जो है ना इसका यूज कर सकते हो। तो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के जरिए हम माइक्रोज, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म तीन चीजों का डिस्कस करते हैं। अब तीन चीजों हो है क्या और इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। माइक्रोज, माइक्रोज को हम ऑटो पायलट कह सकते हैं, मतलब कि जो रिपोर्ट्स जिस तरीके से आप जो मैनुअल बनाते हो उसी रिपोर्ट को उस तरीके को आप कोडिंग के जरिए लिख दो, तो कोडिंग के बाद क्या होगा कि सिस्टम आपका ऑटोमेटेड उसको उस माइक्रो को सेम स्टेप से सेम फॉलो से बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऑटो पायलट करते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या है कि जो रूटीन वर्क है हमारा, जैसे कि आप डेली, जी हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, वो मैं दूसरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो जैसे कि मान लीजिए आप डेली बेसिस पे आप काम करो, आपकी 5 रिपोर्ट्स है, इसको बनाने में 2 या 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है। अब इन 5 रिपोर्ट्स को आप क्या कीजिए, डेली बेसिस पे आपको घंटे टाइम लगता है, तो आपने क्या किया उसके माइक्रोज के जरिए ऑटोमेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम में जैसे रन पे क्लिक करोगे वो आपकी 5 घंटे काम आधे घंटे में या 10 मिनट में या 5 मिनट में विद इन सेकेंड में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो विद इन सेकेंड में आपका काम हो जाएगा। तो हम यहां पे यूज करते हैं माइक्रो फंक्शंस, माइक्रोज का यूज करते हैं। तो माइक्रोज इट्स ऑटो पायलट। फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस हम एक्सेल के लिए बनाते हैं और माइक्रो के लिए बनाते हैं, तो बोथ आर द यूजिंग है इसका, कि एक्सेल में यूज कर लो माइक्रोज में यूज कर लो। एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। उसका फंक्शंस, फंक्शंस के जरिए आप अगर सिंपल भाषा समझो तो जैसे आपके एक्सेल भी यूज करते हैं ना, वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे जो फॉर्मुलेज आपके इनबिल्ट फॉर्मुलेज है, ऐसे खुद के फॉर्मुलेज अगर आपको क्रिएट करने हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं लुकअप फंक्शंस। तो लुकअप के जरिए हम क्या करते हैं, हम वी लुकअप, एच लुकअप इस तरह के फंक्शन बनाते हैं, इसको हम वीवीएम में यूज कर लेते हैं और एक्सेल यूज कर लेते हैं। तो कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 10 मैक्रो बनाने हैं और एक ही एक कैलकुलेशन है जो कि 10 मैक्रो में यूज होने या एक ही मैक्रो में 10 जगह यूज होने, तो उसकी कोडिंग मान लो कि 10 लाइन की कोडिंग है, तो हर बार आपको 10 लाइन की कोडिंग करने पड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे काम को फंक्शन से बना देते हैं, फिर फंक्शन को 10 जगह कॉल कर लेते हैं, तो हमारा मैन पावर बचता है कि हम एक ही जगह इसको बनाते हैं और मोस्टली जगह पर इसको कॉल कर लेते हैं, तो फंक्शन उसके लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म का यूज करते हैं इंटरफेस के लिए। जैसे कि राइट क्लिक करते हो तो ये चीज आती है ना, ये आपका इंटरफेस होता है, या फिर पेज स्पेशल पे आपने क्लिक किया पॉपअप आया, ये आपका इंटरफेस है।
इस तरह के इंटरफेस बनाने के लिए हम यूज करते हैं यूजर फॉर्म को, ठीक है। तो तीन चीजें हैं अभी, इस तरह इंटरफेस इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो आपका जो है ना, माने कि यूजर इंटरफेस हो अच्छा कि कोई भी आपके माइक्रो यूज करना या किसी और का माइक्रो यूज करना हो तो आप चाहते हो जो जो तरीके हो सेम तरीके से, जिस तरीके से माइक्रो रन करवाना चाहते हो उसके लिए आप डाल दीजिए। जैसे पीवर टेबल के ले लीजिए ना, इसके लिए वैलिडेशन भी यूज करते हैं। मान लीजिए पीवर टेबल इंसर्ट करते हैं ना, मान लीजिए इंसर्ट पे गए पीवर टेबल, अब इसमें अगर मैं ओके करूँ तो क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें यहाँ पे जो है ना ये नहीं है, इसका एड्रेस नहीं है, ठीक। तो सर वैलिडेशन हो गया ना, तो इस तरह की वैलिडेशन अगर आपको लगाने हो तो वहां पे आप यूजर फॉर्म का यूज करोगे। तो यूजर फॉर्म का यूज हम जो है वो दो चीजों में करते हैं, इंटरफेस के लिए भी करते हैं और वैलिडेशन के लिए भी करते हैं। ये सारा काम कहां पे होता है? VBE, विजुअल बेसिक फॉर एडिशन, ठीक है। तो VBA के जरिए हम तीन चीज क्रिएट करते हैं, मैक्रोस, फंक्शन, यूजर फॉर्म। माइक्रोज ऑटो पायलट, मतलब कि ऑटो पायलट होता है, रिपोर्ट ऑटोमेट करने के लिए होता है। फंक्शंस माइक्रोज को हेल्प करने के लिए, अपनी अपनी लेंथी कैलकुलेशंस के लिए खुद के फंक्शंस क्रिएट करने के लिए होता है। और यूजर फॉर्म इंटरफेस या फिर वैलिड एंट्री लेने के लिए होता है। इन सबों को हम VBE, विजुअल बेसिक एडिटर के जरिए यूज करते हैं। अब बात आती है कि माइक्रोज बनाने के लिए, माइक्रोज को यूज करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, और डेवलपर टैब में माइक्रो सिक्योरिटी जो है ना आपको अनेबल होना चाहिए। दूसरा, जब भी फाइल को आप सेव करोगे, फाइल को आप हमेशा, जैसे मान लो मैं किसी भी लोकेशन में अगर सेव किया तो यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में क्या होता है? एक्सेल वर्कबुक होता है। तो अगर आपने एक्सेल वर्कबुक में अपने माइक्रोज को सेव कर दिया तो क्या होगा? वो माइक्रोज पूरे के पूरे माइक्रोज रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये माइक्रोज डिसेबल वर्कबुक्स होते हैं। तो ये जो आपका ये होता है एक्सेल वर्कबुक जो आपका होता है, ये जो वर्जन होता है वो माइक्रो डिसेबल वर्कबुक का वर्जन होता है। तो यहां पे आपको नहीं, यहां पे क्या करना है? माइक्रो अनेबल वर्कबुक करना है। तो दो चीजें आप यहां पे होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रोज। तो फंक्शन से यूजर फॉर्म को तो वही है। अब हम रिकॉर्डिंग माइक्रो की बात कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग माइक्रो क्या करता है? जैसे कि मैंने मान लीजिए कि आपको एक तीन चीज यहाँ पे लिखने हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे? विजुअल बेसिक में जाओगे, VVE जो है आपका, मॉड्यूल इंसर्ट करोगे और यहाँ पे एक सब्जेक्ट डालोगे RR, और यहाँ पे जैसे कि मैं तीन चीज लिखना चाहता हूँ कि रेंज, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम रेंज वैल्यू वॉल हमने मैनुअल कोडिंग कर, ठीक है। अब मैं इस मैक्रो को रन करूंगा, आर मैक्रो को, तो यहां पे आ जाए। लेकिन अगर हम रिकॉर्डिंग मैक्रो में रिकॉर्ड करें और यहां पे हम नेम, रोल और मार्क्स, तीन चीजें मैंने टाइप किया, तो जो टाइप करने का कोड है ना, एक कोड आपका इसमें स्टोर हो गया, कोड में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे माइक्रो वन को रन करूंगा, माइक्रो वन को, तो चीज यहाँ पे टाइप हो जाएगी। मतलब कि अगर हम विजुअल बेसिक पे जाएं तो जो मॉड्यूल्स वन में हमने जो कोडिंग की है और मॉड्यूल टू में भी सेम उसी तरह की कोडिंग बन के यहाँ पे आ गई है। मतलब कि मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू दोनों की कोडिंग हम इस तरह से बना के आते हैं, ठीक है।
एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। हेलो जी, जी हेलो, गुड्डू ने जीत बोल रहे। हाँ सर भाई साहब। हाँ बताइए कौन जी। जय बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं क्लास में हूँ, हाँ फोन जय बोलो करता हूँ क्लास कैसे। को। आप बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई कहाँ से हो आपके। मैं बोल रहा हूँ कि महाराज आप लेट हो रहे हैं, समय से आते तो थोड़ा सा और आपको और अच्छा होता और मजा आता। नहीं एक्चुअली ये क्लास मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके तो आपकी क्लास, आपकी क्लास पूरी खत्म हो चुकी है क्या। नहीं पूरे खत्म नहीं हो चुके हैं, बीच में ये साहब कभी कभी मैं मेरा क्लास मिस हो जाता था, कभी ये कंटिन्यू नहीं होता था, वो जैसा होता ओके था। अभी तो अब चलते हैं। हेलो ओके। सर मेरा तो क्वेश्चन ये था कि जैसे पूछे। थिएटर करते हैं ना, उसमें एटलीस्ट अब बुक डॉट फॉर्मूला ये तो अच्छा है ना, ये आर एक्स क्या बेसिकली एक्सेल जो चलता है ना, आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल पे चलता है। एक सेकंड कीजिएगा। जो आपका जो है आर वन सी वन रेफरेंस स्टाइल पे एक्सेल बाय डिफॉल्ट देता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह से दिखते हैं। ठीक है। और एक्टिव सेल, और एक्टिव सेल्स क्या होता है सर कि ये इसका एक पैटर्न है, आप बोलोगे ना इसका एक सेल रिकॉर्ड कोड करने का एक पैटर्न है, ये उसी पैटर्न पे कोड करता है। ठीक है, कोड करने का एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे कोड करता है, इसलिए आपको आर्वो... नहीं, आप नहीं, होता होता क्या है कि ये जो है ना आपका जो वीवीए प्रोग्रामिंग है, फॉर्मूला आर वन सी वन, मतलब कि क्या हुआ कि वो इसके अंदर जाके टाइप किया फॉर्मूला और सेल को उसने आर वन सी वन स्टाइल से स्टडी किया उसने, इसलिए यहाँ पे वो जो है ना एक्टिव सेल लेता है। तो ये सब एक चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, अभी आप इस पे ध्यान मत दीजिए। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि माइक्रो रिकॉर्डिंग माइक्रो के क्या बेनिफिट्स हैं। अभी आप कोड में मत भूलो, कोड को काला अक्षर भैंस बराबर समझो। ठीक है, तो अभी क्योंकि कोड कैसे समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिकॉर्डिंग मैक्रो ने क्या किया कि उसी जो काम हम कोड करते हैं उसी काम को इसने यहाँ पे खुद कर दिया, तो रिजल्ट तो दोनों का सेम ही आ रहा है। हो सकता है कोड डिफरेंट है, अलग अलग कोड्स है, लेकिन दोनों का रिजल्ट तो एक ही है। क्या बोल रहे हैं सर। दोनों का रिजल्ट एक ही है, तो मतलब कि अब यहां पे क्वेश्चन ये उठ के आता है कि हम क्यों क्यों करें हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखें, क्योंकि जो काम हम कोडिंग के जरिए करते हैं उस काम को एक्सेल आराम से कर दे रहा है, रिकॉर्डिंग मैक्रो आराम से कर दे रहा है, तो फिर मैं कोडिंग क्यों करूं, मतलब कि क्यों कोडिंग सीखूं। कहने का मतलब ये उठता है ना कि कोडिंग क्यों सीखें। देखिए रिकॉर्डिंग मैक्रो आपका डायनेमिक नहीं करेगा, अगर आपको डायनेमिक करना है, अगर आपको डायनेमिक करना है तो आपको कोडिंग सीखना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेगा, आपका कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं करेगा, आपको रिपीटेशन जिसको लूपिंग कहते हैं वो नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा। हाँ रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए आप अपने कोड से कोई कुछ कोड भूल गया, आपको नहीं पता है कि वैल्यू कैसे टाइप करते हैं, फिर से ऐसे करते हैं, तो रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में। टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में बात करते हैं, जो भी आपने रिकॉर्ड किया ना या फिर हमने जो कोड किया है इसको हम पब्लिक मैक्रो कहते हैं। ठीक है, इसको हम पब्लिक मैक्रो कहते हैं।
तो मैक्रोज के टाइप होता है, सबसे होता है आपका पब्लिक मैक्रो। पब्लिक मैक्रोज क्या होता है कि मैक्रो जो स्टोर होता है, इसे रिकॉर्ड करते क्या होता है, स्टोर दिस वर्कबुक, जो स्टोर होता है वो उसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर होता है। जिसका जिसका बेनिफिट ये होता है कि अगर मैं फाइल आपको भेजूं तो मैक्रो भी आपको मिलेगा। अगर मैं फाइल आपको भेजूं तो आपको मैक्रो भी मिलेगा, मतलब कि हाँ, जहां जहां पब्लिकली मैक्रो को हम शेयर करेंगे वहां वहां आपका मैक्रो भी शेयर होगा। और साथ में जब तक मेरा फाइल ओपन है हम दूसरे फाइल में भी रन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ना, AIPT जैन नाम का फाइल है, उसका एक मेल नाम का ए है, आपका मैक्रो है, मैं इसको इसमें भी रन कर सकता हूँ क्योंकि पब्लिक मैक्रो है। तो पब्लिक मैक्रो खासियत क्या होती है, पब्लिक मैक्रो खासियत होती है कि पब्लिक मैक्रो स्टोर होता है किसमें, पब्लिक मैक्रो स्टोर होता है आपके उसकी पर्टिकुलर फाइल के अंदर में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है हमारा प्राइवेट मैक्रो। अजीत जी शोर आ रहा है, म्यूट कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। प्राइवेट मैक्रो का दो पार्ट होता है, एक होता है पर्सनल मैक्रो। अब पब्लिक मैक्रो में क्या प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप अब जैसे कि मैं आईपीटी जैन को रन कर पा रहा हूं ना, आईपीटी के अंदर जो मेल नाम का सॉफ्टवेयर उसको रन कर पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये फाइल मेरी खुली हुई है। अगर मैं इस फाइल को बंद कर दूं, अगर मैं इसको बंद कर देता हूं सेव करके, देन अब इस मैक्रो को खोलूंगा तो मुझे यहां पे मैक्रो नहीं दिख रहा है। मतलब कि पब्लिकली मैक्रो को हर फाइल में आप रन तभी कर सकते हो जब जो फाइल के अंदर वो स्टोर है वो फाइल खुली हुई है, तो ठीक है, समझ में आया जय, मैंने क्या बोला, पब्लिक मैक्रो को तभी आप रन कर सकते हो, चाहे आपने रिकॉर्ड किया या फिर कोड किया है, तभी आप उसका यूज कर सकते हो जब उसको आप उस फाइल को खोलोगे, ओपन होगा तो। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम बात सर, हाँ भाई सर, अगर हम पब्लिक माइक्रो जो सीट ओपन है, अगर हम रन कर पाते हैं तो जरूरी है कि एक ही सीट हो सकता है कि दूसरी सीट में भी रन हो। सीट की बात नहीं कर रहा हूँ सर, फाइल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो मैं आप बोल रहा हूँ ना, एक माइक्रो के अंदर आपने फाइल बनाई है तो पूरी पूरी फाइल के अंदर कहीं भी चलेगा और साथ में किसी और फाइल पे भी चलेगा, समझ गए, पूरी फाइल में वो कहीं भी चलेगा और किसी और फाइल पे भी चलेगा। नहीं, कोडिंग के अंदर जो आपने डाल रखा है, आपने किसी पर्टिकुलर शीट का रेफरेंस, किसी पर्टिकुलर शीट का रेफरेंस डाल रखा है, पर्टिकुलर शीट में जाएगा वो, मैं आपको समझाऊंगा। आप बस इतना समझिए कि अभी रन करना है आपको, तो आप रन तभी कर सकते हो किसी और मैक्रो में जब मैक्रो खुला हो। अब पर्सनल मैक्रो इसमें आपको सपोर्ट करता है, पर्सनल मैक्रो क्या सपोर्ट करता है इसमें, पर्सनल मैक्रो सपोर्ट इसमें ये करता है कि पर्सनल मैक्रो जब रिकॉर्ड करते हैं ना, जब रिकॉर्ड की रिकॉर्ड मैक्रो और यहाँ भी पर्सनल मैक्रो सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि ये मैक्रो का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसी आपके पर्टिकुलर फाइल के अंदर नहीं जाता है, ये आपका ये इसकी जो आपका ड्राइव है, इसका जो ऑफिस लाइब्रेरी है उसमें जाके सेव होता है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपके आपका जो ये मैक्रो है ना, एक तो एक इसके तरह मतलब एक ऑप्शन की तरह हर फाइल के अंदर दिखेगा, चाहे फाइल नया हो या एक्सटेंड हो, कोई भी फाइल हो, हर फाइल में एक टॉपिक की तरह दिखेगा। सर आपको मैंने बोला ना, पब्लिक मैक्रो हर जगह वर्क करता है, विद इन फाइल,
विद इन शीट विद इन फाइल दोनों में वर्क करता है भाई। हाँ तो वो तो कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं कोडिंग में क्या लिखा आपने कोडिंग में। अगर आपने सीट टू को फिक्स कर दिया है कि सीट टू पे ही जाए तो हमेशा सीट टू पे ही आएगा वो तो। ठीक है अब इसमें आगे तो पर्सनल मैक्रो जैसे करोगे ना तो पर्सनल मैक्रो दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो मेरे एक पर्सनल मैक्रो है, मैं इसको मैक्रो लिस्ट में जाता हूँ। नहीं यहाँ पे नहीं आई थिंक, नहीं इसमें मैं डिलीट कर दिया मैंने। तो पर्सनल मैक्रो आपको हमेशा यहाँ दिखेगा, आपको आप पर्सनल मैक्रो रिकॉर्ड कर दो। कैसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट कर लो। लेकिन इसका एक बैड पॉइंट क्या है, बैड पॉइंट है कि इस मैक्रो जो बनाओगे ना आप तो आपके ऑन सिस्टम के लिए होगा, आपकी वो फाइल किसी फाइल के साथ लग के किसी और के पास नहीं जाएगा। तो इसके जरिए हम लोग टूल्स वगैरह बनाते हैं, जो टूल्स होते हैं ना वो टूल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है तो इसके जरिए इसके मदद से हम टूल्स वगैरह यूज करते हैं। दूसरा इसमें होता है इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो क्या होता है, अभी क्या है कि हम क्या करते हैं मैक्रोज को रन करते हैं, मैक्रोज में जाके रन करते तो ये परफॉर्म करता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी मैक्रो या मेरा जो कोड है वो मेरे परफॉर्म करने पे नहीं, मेरे किसी एक एक्शन पे चले। जैसे मैं चाहता हूं मैं जहां जहां क्लिक करूं वहां कलर हो, मतलब मुझे कलर करने का कोड है, मेरे पास क्या है कलर करने का कोड अप्लाई करनी है। लेकिन मैं चाहता हूं जहां जहां मैं क्लिक करूं वहां वहां मेरा कलर अप्लाई हो। क्लियर है? तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम यूज करेंगे इवेंट मैक्रो। तो जहां इवेंट करना वहां पर राइट क्लिक करके व्यू कोड में चले जाइए और यहां पे आप सेलेक्ट कीजिए लोकेशन से वर्कशीट पे मुझे इवेंट मैक्रो परफॉर्म करना है, तो वर्कशीट के कौन से इवेंट में, तो सिलेक्शन चेन। तो मैंने यहां पे दे दिया एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर होता है कलर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। अभी क्या है कि मान लो कि मैक्रो है, अभी एक रन परफॉर्म कब करेगा जब मैं किसी पर्टिकुलर शीट पे क्लिक करूंगा, चल रहा है। लेकिन कहीं और करूंगा तो नहीं होगा क्योंकि मैंने फिक्स किया है सीट फोर पे, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फिक्स किया है उसी ऑब्जेक्ट पे उस ऑब्जेक्ट के एक्शन पे, जैसे बटन पे क्लिक करना हो गया या राइट क्लिक करना हो गया डबल क्लिक करना हो गया, ये सारे इवेंट्स के अंदर आते हैं। तो मैक्रो के हमने आपके दो टाइप बताए, पहला है पब्लिक मैक्रो, दूसरा है प्राइवेट मैक्रो, तीसरा है आपका पर्सनल मैक्रो। क्लियर है इवेंट मैक्रो मतलब। अब इसमें आगे चलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, कि मैक्रो को डिक्लेयर कैसे करोगे। तो विजुअल बेसिक पे जाओगे तो यहाँ पे जितने भी शीट्स होंगे ना खुले आपके, उस शीट्स का इस तरह से यहाँ पे लिस्ट देगा। तो आपको कोडिंग सीट पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हो, सीट टू पे भी कर सकते हो, सीट थ्री पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर सीट पे आप करते हो तो क्या होगा कि दो प्रॉब्लम होंगी। पहली कि वो उसी पर्टिकुलर सीट की प्रॉपर्टी में सेव होगा, सीट डिलीट कोड डिलीट, सीट को हम डिलीट करेंगे कोड ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा किसी कई मामलों में किसी और सीट का रेफरेंस वो नहीं पिक करेगा। ठीक है, किसी और सीट का रेफरेंस वो पिक नहीं करेगा। तो इसलिए हम कोड कहां करते हैं मॉड्यूल्स में, ताकि मॉड्यूल्स को हम इजीली ट्रैक कर सके एज ए एडिंस, इसलिए हम मॉड्यूल्स में करते हैं। तो मॉड्यूल्स कहां से मिलता है, इंसर्ट मॉड्यूल्स, मॉड्यूल हमने इंसर्ट किया यहां से इंसर्ट मॉड्यूल्स। उसके बाद मैं यहां पे पब्लिक सब या सिर्फ सब भी सकते हैं, पब्लिक टैलेंट होता है। उसके बाद आती है मैक्रो की नेम, तो मैक्रो का नेम कुछ भी लिख सकते हो, बस याद रखिएगा कि आप एक जो मैक्रो क्रिएट कर रखे जिस नाम से वो नाम ना होना चाहिए। मैक्रो के बीच में स्पेस, जैसे कि
स्पेस नहीं होना चाहिए, मैक्रो के अंदर डॉट नहीं होना चाहिए, मैक्रो नेम में डैश होना चाहिए, हाँ अंडरस्कोर आप लगा सकते हो, और नहीं आप 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि TTR1 नाम का आपके पास रेंज है ना, इसलिए मैंने आपको बोला कि 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आप नहीं डाल सकते हो, 4 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक डाल सकते हो। और इसका ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अब देखिए गलत है ना, तो इसका अगर मुझे 1 करना है तो हमने 1 कर दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, अब आई एक्सेप्ट है। अब मैं यहाँ पे प्ले करूँ, यहाँ पे जाऊँगा मैक्रोज में, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ना हमारा तो TTR1 नाम का मैक्रो यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। दूसरे अगर आपको फंक्शन, ये तो मैक्रो डिक्लेयर करने की बात हो गई, बात करते हैं अगर फंक्शन डिक्लेयर करना है तो आप लिखोगे फंक्शन, और ऐसे ही जो आप नाम देना चाहते हो फंक्शन का, और सारे नेमिंग में जो मेथड है वो भी यहाँ पे कॉल होगा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ये आ गया। इसके बीच में हम इनपुट डिजाइन करते हैं, क्या इनपुट होना चाहिए, तो ये चीज़ आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। और यूजर फॉर्म के लिए आप इंसर्ट यूजर फॉर्म करते हैं, तो यूजर फॉर्म आपका पूरा का पूरा एक फॉर्म आ जाता है जिसमें ये बटन्स होते हैं, अपने हिसाब से जो बटन्स यूज करने हैं वो बटन सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नो डाउट, तो ये आपका था। उसके बाद अब आपको थोड़ी सी है ना प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ी सी स्टडी करनी होगी, तो स्टडी कहाँ करोगे आप, क्या करो, आपके पास एक्सेल 2007 है, विजुअल बेसिक पे क्लिक करो, और इसके विजुअल बेसिक के जो F1 होता है ना, इस F1 पे क्लिक करो, जो हेल्प होता है इस हेल्प पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहां पे आपके पास जो है ना कंसेप्ट आता है, क्या कंसेप्ट, इसमें बहुत सारे हैं, जैसे फंक्शन हो गया, सेल्स हो गया, रेंज हो गया, तो वर्कबुक हो गया, ये सब चीज है। तो पहले आप फंक्शन छोड़ दीजिएगा, फंक्शन अभी आपको भी समझ में नहीं आएगा, फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो फंक्शन छोड़ दीजिएगा, आप जो है वर्कबुक एंड वर्कशीट, इसमें कुछ क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ए वर्कबुक, इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर है और इसकी डेफिनेशन है, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इसको इसमें इसके मैक्रो को रन करके देखिए, और जो चीज ना हो मुझसे आओ और अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिए। तो वर्कबुक हो गया, ऐसे आपको सेल रेंज में क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस करने डायलॉग बॉक्सेस में, ठीक है। तो ये चीज आप कीजिए, कल हम आपको बताएंगे कोड कंसेप्ट, एक्सेल के जो कोड कंसेप्ट है VBA के, कि कैसे लिखेंगे कोड, क्या लिखेंगे, एल्गोरिदम कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम कल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो कल मिलते हैं सेम टाइम, तो आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके बाय, गुड नाइट। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैंने अभी 3 बच्चों को, कौशल जी जो इजिप्ट में थे, एक मुंबई से थे और एक दिल्ली से थे, उनको हमने अभी 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 भी हमने ऑनलाइन क्लासेस दी है, इन्होंने भी VBA की इंट्रोडक्शन क्लासेस के बारे में पढ़ाया। ऐसे आप लोग भी मुझसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं लाइव, ये जो रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होगी, लाइव सेशन होगी जिसमें आप मुझसे लाइव क्लासेस करेंगे, मेरी स्क्रीन लाइव आपको दिखेगी, और इसमें आपको एडवांस एक्सेल, VBA माइक्रो, MS एक्सेल, MIS ऑटोमेशन, क्रिएट डैशबोर्ड्स, ये सारी चीज़ में आपको कवर की जाएगी, कंप्लीट एक्सेल VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग भी होगा और साथ में कंप्लीट आपका एक्सेल होगा, एक MIS मल्टीपोर्ट ऑटोमेशन प्रोफाइल होती है जो आपकी कराई जाएगी, और एक प्रोफेशनल वे में आपको कराई जाएगी, हर क्लास आपकी लाइव होगी, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी है, आपको हम रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी देंगे। शुरुआत में आपको हम 3 से 4 दिन का फ्री डेमो देंगे, आप मेरी वेबसाइट IPTIndia.com पे जाइए
और मेरी क्लासेस को मेरी 3 डे क्लासेस को इनरोल कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3 डे रेमो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है आपको। ज़्यादा जानकारी मुझसे चाहिए तो मेरा नंबर 8826828093 पे कॉल कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू।